Hello everyone, how are you all? We will perform the practical to isolate DNA from available plant material. Okay, so यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने ये practical तो स्कूल में तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे मैंने कुछ घर में जो आपके ग्लासेस है उनको यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने लिया है बनाना। बनाना से हम देखेंगे यहाँ पे डीएनए को, एंड यहाँ पर जो डिटर्जेंट होता है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे एंजाइम तो है नहीं सेल को तोड़ने के लिए, तो आप यहाँ पे डिटर्जेंट ले सकते हैं, विम ले सकते हैं, फिर ये शैम्पू का भी ले सकते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे इसकी जरूरत रहेगी, ठीक है, एंड फिल्टर करने के लिए, और ये स्पून की जरूरत रहेगी, एंड चाकू की भी जरूरत रहेगी, ठीक है, एंड यहाँ पर आइस आइस की भी जरूरत रहेगी, और आपका सॉल्ट NaCl को भी रहेगा काम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस। टेक अ ग्लास और बीकर्स, ओके, एंड डिटर्जेंट डिटर्जेंट शैम्पू, एंड या फिर विम वगैरह भी ले सकते हैं, डिटर्जेंट एंड सैनिटाइजर। आप एथेनॉल या फिर जो है आपको आपके पास है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। कट बनाना इंटू स्मॉल पीसेस using knife. The banana slices are finally ready. Next, pure water, a beaker, a glass, then place a chopped banana in it. यहाँ पे आप वाटर ले लें, और उसके बाद ये जो बनाना है उसे प्लेस अ 1 teaspoon सॉल्ट द ग्लास एंड द प्रोसीड टू फिल द ग्लास विद वाटर, ओके। नमक पानी का घोल हो गया, ठीक है, द सॉल्ट वाटर मिक्सचर। थ्रोली मिक्स द वॉशिंग डिटर्जेंट विद द सॉल्ट वाटर टू प्रिपेयर द सोल्यूशन। फर्स्ट प्लेस द चॉप बनाना विच हैव बीन सॉक्ड इन वाटर, ठीक है, इन टू अ लार्ज कंटेनर। तो मैंने ये क्या बताया कि ये जो केला और पानी का है, यहाँ पर इसमें आपको डिटर्जेंट सोल्यूशन मिक्स कर देना है, ठीक है। अब आप इसे मिक्स कर सकते हैं क्रशर क्रशर की भी हेल्प से, ठीक है, ब्लाइंडर के हेल्प से। थ्रोली क्रश देम यूजिंग क्रशर और हैंड्स, आप हाथ से भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। देम मिक्स और हमें इसका थिक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। जब ये स्मूथ हो जाए तब जाके इसे हम छानेंगे ना, तो इसे थोड़ा सा और। आफ्टर ऑब्टेनिंग अ थिक सॉल्यूशन प्रोसीड टू फिल्टर इट यूजिंग अ सीव, ओके। ऐड आइस, ओके, add some ice to the sanitizer in the glass to cool it, okay. हमने यहाँ पर डिटर्जेंट किस लिए लिया था, जब सेल के अंदर आपका ये जो डीएनए है, जो जब सेल का जो सेल वाल है ये सब टूटेगा कैसे, तो यहाँ पर कोई एंजाइम वगैरह तो है नहीं, इसलिए हमने किसका यूज किया, यहाँ पर डिटर्जेंट का यूज किया है, ठीक है। अब इसे आइस का जो आप फ्रीजर में भी रख सकते, इसमें मैंने तो इसमें आइस मिलाई हुई है इसमें ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो बनाना फिल्टर्ड एंड कोल्ड सैनिटाइजर, हमने यहाँ पर बनाना और मतलब सैनिटाइजर और आइस को मिलाकर इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो इसे अब देखो, आपको यहाँ पे नजर आएगा